एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। एसएससी जेई का नई भर्ती आ चुका है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा, बीटेक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में, फॉर्म कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम क्या है, सिलेबस क्या है, मैं फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये देख सकते हैं ये एसएससी के अंदर में है, नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। और ये आपका नोटिफिकेशन 12 अगस्त को ही आ गया था, और ये 12 अगस्त को ही पेपर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 12 अगस्त से लेकर और 2 सितंबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। जो लास्ट पेमेंट करने का है वो आपका 3 सितंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन चाहे आपको पेमेंट चेंज करना है तो आप 4 सितंबर तक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर में रखा गया है। जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर में रखा गया है। और इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन सा रहेगा जॉब के लिए, आप देख सकते हैं। बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपका सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सीपीडब्ल्यू है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका सिविल वाले भर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं। ये सब में आपको डिप्लोमा चाहिए या आपको बीटेक चाहिए, तीनों में दोनों में से कोई है तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं सेंट्रल वाटर पावर रिसोर्स स्टेशन का है, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। ऐसे ही देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें भी आपको सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे में आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, आप देख सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, अगर पास आउट हो तो इस फॉर्म को आराम से आप भर सकते हैं, विदाउट पास आउट वाला फॉर्म को नहीं भरेंगे। और इसमें आपका सीनियर सिटीजन इंडिया वाले भरेंगे, नेपाल, भूटान, तीनों कंट्री के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं 1/1/2022 से होना चाहिए आपको, और इसमें एज लिमिट मैक्सिमम को 30 साल होना चाहिए। 30 साल, 32 साल सिविल के लिए 32 है, 30 है, 32 है। अगर वो भी SC ST है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल है, PW के लिए 10 साल है। सबके अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये फॉर्म बहुत अच्छे हैं, अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म को भर ले। और देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ से देख सकते हैं सिविल के लिए क्या है। आपको देख सकते हैं बैचलर डिग्री या 3 ईयर का डिप्लोमा आपको होना चाहिए। इसमें भी देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के BRO के लिए है, 3 ईयर BTEC चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा आपको चाहिए। ऐसे ही देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल के लिए है, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, सब इसमें दिया गया है, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपका पोस्ट है पोस्ट को भर सकते हैं। सब क्वालिफिकेशन आपका गैस दिया गया, डिप्लोमा बीटेक वाले नॉर्मली फॉर्म को भर पाएंगे, ITI वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये फॉर्म को ITI वाले नहीं भर सकते हैं। लास्ट डेट दे सकते हैं 2 सितंबर को, इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और पेमेंट आप UPI से कर सकते हैं, SBI चालान से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कोई भी मोड में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन का डेट वगैरह देख सकते हैं, एप्लीकेशन करेक्शन का 4 को है, आपको 4 सितंबर को करेक्शन का डेट आपको दिया गया है। कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन दे गया है, देख सकते हैं। बेंगलोरी है, बेंगलोर, भागलपुर, पोर्ट बेलर है, इसमें सारे आपका स्टेट में दिया गया है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, ऑल ओवर इंडिया में इसका दिया गया है। इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको देखना चाहिए इसका। फर्स्ट पेपर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और इसमें आपको जनरल यानी रीजनिंग का रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के रहेंगे आपको। जनरल अफेयर्स का 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के रहेंगे। जो आपका टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, में 100 में से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पेपर दे सकते हैं, सेकेंड पेपर में क्या है आपका, जो आपका जनरल है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसमें से 300 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 2 घंटे टाइम, यानी इसमें इंग्लिश नहीं है आपके, ना इंग्लिश है ना मैथ है इसमें, देख सकते हैं आप।
इंग्लिश मैथ नहीं है, तो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको जो सिलेबस पढ़ना है ये देख सकते हैं, ये रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल मैथ्स का सिलेबस है, क्या क्या आपको आएगा एग्ज़ाम में ये देख सकते हैं, सिविल का सिलेबस है, ये आपके इलेक्ट्रिकल का है, जो भी आपका ब्रांच है, ये मैकेनिकल का है, इसमें सिलेबस भाई देखें आप, सेकेंड पेपर का सिविल का है देख सकते हैं, सिविल में क्या पढ़ना है सेकेंड पेपर में, सारे सिलेबस इसमें कवर किया गया है आपका, देख सकते हैं सारे पेपर इसमें कवर किया गया है, ये देख सकते हैं सारे सिलेबस है इसमें, सारे सिलेबस इसमें दिया गया है, जो आपका ब्रांच का सिलेबस है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम को फाइट कर सके। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने एसीसी पर कोई पहले फॉर्म भरा होगा तो सिंपल आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करके फॉर्म को भर देना है, नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके फॉर्म को भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है आपको, ये देख सकते हैं आप, पहले आपको आधार कार्ड नो है एस है तो एस आधार नंबर देना है यहाँ पे, फिर आपका जो टाइप है ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड जो भी है आपको इसमें देना है, फिर आपका फादर नेम मदर नेम सारे इसमें डालना है आपका, फिर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, मोबाइल नंबर फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें एड्रेस अपना जहाँ का आपका एड्रेस है एड्रेस देना है आपको, फिर सेव और नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पाएगा फाइनल सबमिट कर देना है, ये न्यू कैंडिडेट के लिए जिन जिनको हो चुका है उनको सीधा लॉगिन करके फॉर्म को भर देना है, ये देख सकते हैं आप, फिर आपको हो गया चेक करने के लिए कैंडिडेट नेम वगैरह है जो भी आपने भरा है उसको, फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है, एग्ज़ाम सेंटर इसमें तीन डालना है आपको, कोई भी तीन डाल सकते हो एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफिकेशन क्या आपका सिविल इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल के लिए भरना है अप्लाइड इलेक्ट्रिकल के क्वालिफिकेशन बी टेक डिप्लोमा यहाँ भर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रीम है स्ट्रीम भर सकते हैं, यहाँ पे पास और रिपेयरिंग भर सकते हैं आप, रिपेयरिंग वाले में भर सकते हैं, इसमें 18 साल होना चाहिए आपको, फिर आपका एड्रेस हो गया इस एड्रेस डाल देना है आपको सिंपल सा, फिर आपको फोटो और साइन, फोटो साइन आपको 12 मई के बाद का होना चाहिए, 12 मई 2022 के बाद का आपको फॉर्म होना चाहिए, फिर कैचअप डाल के इसमें आपको रिव्यू कर देना है, रिव्यू करके आपको सारे चेक करना है, चेक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, उसके बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसका लास्ट डेट वगैरह सब बता दिया, पेमेंट वगैरह सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।